गाइस, बहुत सारे मेरे दोस्त का क्वेश्चन है, जो मेरा फ्रिज है इसको जो साइड है इस साइड गर्म हो जाता है, तो ये अच्छा चीज़ है बुरा चीज़ है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये अच्छा चीज़ है बुरा चीज़ है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है। तो प्लीज़ इसीलिए वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इस फ्रिज में इसका नेट बाहर में है और इसका नेट अंदर में है। तो गर्म होने का कारण क्या है? कंप्रेसर जो होता है ना, नीचे वाला कंप्रेसर, एक कंप्रेसर हीट जनरेट करता है। जब हीट जनरेट करता है तब हीट यहाँ से पाइप होकर अंदर जाके धीरे 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 ठंडा होता है। तो इसी वजह से जो इसका मोल्डेड है, मतलब इसके अंदर कॉयल है, तो इसके अंदर आपका साइड में, बॉडी के साइड में हीट होता है, क्योंकि इसमें आप जो कंप्रेसर का गर्म हवा वो पाइप का अंदर जाता है, इसीलिए ये साइड गर्म होता है। जी यहाँ पर नेट बाहर में है, इसका साइड देखिए गर्म नहीं होगा उतना। तो और डबल डोर में भी है, सेम है। डबल देखिए, डबल डोर में आपको दिखाता हूँ, ये है डबल डोर फ्रिज। तो इसके पीछे पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है, देखिए पूरा नीट एंड क्लीन है, इसीलिए इसके साइड में हीटर लगाना रहता है, और इस हीटर के वजह से फ्रिज गर्म होता है। और साथ ही साथ जो इसका डीप फ्रिज है, ये डिफ्रॉस्ट करने का काम आता है। इसका अंदर जो बर्फ़ जम जाता है उसको पिघलाने के लिए यहाँ पर हीटर लगा होता है, इसीलिए बॉडी हीट होता है। और बॉडी हीट होने से आपका फ्रिज अच्छा रहेगा, आपका फ्रिज में कोई ख़राबी नहीं है, ये मान के चलिए पूरा एकदम। हम आपको एकदम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब हीटर रहता है, ये जब गर्म नहीं होगा तब मान लीजिए आपका फ्रिज सही से काम नहीं करेगा। और साथ ही साथ देखिए, इसके अंदर मोल्डेड है पूरा, और इसके अंदर ये बाहर है, तो इसके यही एक कारण है, जो कॉयल अंदर रहता है इसीलिए बॉडी हीट ज़्यादा होता है, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि हीट होने से आपका फ्रिज सही है, आपका फ्रिज ज़्यादा दिन चलेगा। तो दोस्तों, इस तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।